आजादी के 75 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहा है मनगवां। कभी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की कर्म भूमि रही है मनगवां की धरती, आज भी तलाश रही है विकास को। नमस्कार, मैं जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं मौजूद हूँ मनगवां में। श्रीनिवास तिवारी रुक्मणी रमन सिंह की ये धरती रही है। यहाँ से बहुत सारे नेताओं ने, अगर श्रीनिवास तिवारी रुक्मणी रमन सिंह की मैंने नाम लिया, उनकी बात करूँ तो देश प्रदेश में उनका नाम था और मनगवां उन्हीं की वजह से पहचाना जाता था। क्या है समस्याएं? आज बात इसको लेकर मैं सबसे पहले बात करूँगा कांग्रेस के लोगों से, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जवाब लूँगा। आपके समय में यहाँ पर क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है? संक्षेप में देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि एक जो जनप्रतिनिधि लोकतंत्र में निर्वाचित होता है, चाहे वो विधानसभा का प्रतिनिधि हो चाहे लोकसभा का प्रतिनिधि हो, और जनता के विषयों को लेकर उसकी जो जिम्मेवारी है विधानसभा के अंदर लोकसभा के अंदर उठाने का काम जनप्रतिनिधि करता है, और वो काम जब कांग्रेस के हमारे नेता स्वर्गीय श्री श्रीनिवास तिवारी जी थे, आपने रुक्मणी रमण प्रताप सिंह जी का नाम लिया, बहुत पुराने हमारे लीडर रहे, उन लोगों ने समय समय पर क्षेत्र की जनता की आवाज़ को विधानसभा के अंदर रखा, चाहे पक्ष की सरकार रही हो चाहे विपक्ष की सरकार रही हो, और जनहित के मुद्दों पर काम करके, चाहे स्कूल का मामला रहा हो, चाहे सड़क का मामला रहा हो, चाहे पुल का मामला रहा हो, और चाहे आईटीआई कॉलेज, इस तरह के तमाम डेवलपमेंट के जरूरत की चीज़ों के क्षेत्र में उनने काम किया। आपने काम किया। कांग्रेस के लोगों का कहना कि हमने बहुत काम किया, आपने काम किया कि काम बताइए पहले। काम हमने किया, आपको बताया मैंने 14 MIIT दी, 7 IIM दिए और 16 माफ करिएगा, मैं रीवा में हूँ, मनगवां और मध्य प्रदेश की बात करिएगा। मनगवां की बात करता हूँ। कांग्रेस के जमाने में सिरमौर में तहसील हुआ करती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मनगवां में तहसील देने का काम किया। मनगवां में आईटीआई लगती थी, किराए के घर पर टूटी हुई बिल्डिंग पे आईटीआई लगती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आईटीआई का स्पेशल बिल्डिंग देके आईटीआई को सुव्यवस्थित चालू कराने का काम किया। मैं बता रहा हूँ, मनगवां में अनुविभागीय अधिकारी का कोई कार्यालय नहीं था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनुविभागीय अधिकारी का कार्यालय बनवाया। हाँ बताइए, आईटीई, ये जो भारत, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये झूठ बोल रहे हैं कि आईटीआई और तहसील सिरमौर हुआ करती थी, पंडित श्रीनिवास तिवारी ने उप तहसील मनगवां में लगवाई थी और आईटीआई दिग्विजय सरकार के आदित्य। एक मिनट, ये झूठ बोलने का काम करते हैं। रुकिएगा, झूठ बोलते हैं हमारे साथ, एक मिनट, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के लोग भी हैं, मैं उन्हीं से जवाब ले लेता हूं। सच क्या झूठ क्या सच झूठ में आप जाइए ना, तो इनको सन पता है ना, हमारे कांग्रेस के साथियों के यदि पता हो तो पहले आप सन बता दीजिए कि इस दिनांक को इसका उद्घाटन हुआ, लोकार्पण हुआ। जो तथ्यात्मक बातें हैं आदमी को वो करनी चाहिए, ये नहीं कि हमने किया। आपकी नज़र में हमारे उसमें इतनी समस्याएं हैं कि आज ये देख लीजिए, हम सभी लोग खड़े हैं, CM राइज की बात, शिक्षा की बात कर रहे हैं, नाली की बात कर रहे हैं, बिजली सड़क पानी की तो सभी पार्टियाँ कर रही हैं, हम शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात हम आपसे प्रश्न करेंगे, जवाब आप भी सत्ता में थे। हम दोनों लोग से सवाल और जवाब की बात होगी। बबीता जी, आप जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हैं, मनगवां तब और आज कैसे देखती हैं आप मनगवां? जैसा कि अभी हमारे साथी बता रहे थे कि जब पंडित श्रीनिवास तिवारी जी थे और रुक्मणी रमण प्रताप सिंह जी थे, मैं उस समय दूसरे दल में हुआ करती थी, और मनगवां में जो उन्होंने काम कराया आज भी वही दिख रहा है, सत्ता पक्ष ने कोई भी काम नहीं कराया। स्पष्ट आरोप। आरोप तो विपक्ष का पहला तथ्य है, भाई 2003 के पहले सड़कें नहीं थी कि साइकिल चलाई जा सके, आज तो आप कारों से उड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। निकट भविष्य में विधानसभा चुनाव होने की भी आहट शुरू हो गई है, किस मुद्दे को लेकर आप जाएंगे जनता के बीच? विकास, सभी तरह से विकास है। विकास की बात करने की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि अगला चुनाव हम विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे, तो क्या आपको क्या लगता है इन्होंने? मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि 9 साल लगभग हो गए विधायक बने, पंचूलाल जी उनकी वाइफ थी, क-
कई बार मनगवा में सीएम को ले आए हैं, पहले ये बताएं, कई बार सीएम को मनगवा में ले आए हैं, कौन सी घोषणा सीएम ने मनगवा के लिए किया है? और आज ये स्थिति है मनगवा की। हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल आप चल के देख लीजिए, वहाँ डॉक्टर नहीं है, महिला डॉक्टर नहीं है, क्या विकास हो रहा है? सिविल हॉस्पिटल से स्वास्थ्य हॉस्पिटल कर दिया गया, उसको प्राथमिक कर दिया गया, ये विकास है भारतीय जनता पार्टी, ये विकास है। पहले शांत करा दीजिए, मैं एक एक चीज का जवाब दूंगा। मनगवा में माननीय पन्ना भाई जी ने शिवराज सिंह चौहान जी से 6 करोड़ रुपए की बिल्डिंग जो हमारी यहाँ, देखिए मैं जो आरोप है केवल बात उस पे आपको कर रहा हूँ। कॉलेज नहीं था हमारे यहाँ की बच्चियाँ पढ़ नहीं पाती थी, पढ़ने के लिए उन्हें रीवा जाना पड़ता था, 6 करोड़ रुपए की बिल्डिंग यहाँ बनी और हमारी यहाँ की बहनों को कॉलेज की व्यवस्था दी गई, अस्पताल 6 करोड़ रुपए के अस्पताल, 30 बिस्तरीय अस्पताल, सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, मनगवा में बन रही 3 डॉक्टर बैठते हैं, सर्व सुविधा। जब चुनाव होने, ये कहने का मतलब, एक मिनट, ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, पहले कांग्रेस पार्टी के जमाने में ये सिविल थी और 30 बेड का ये हॉस्पिटल था और 4-4 डॉक्टर रहते थे, 8-8 नर्सें रहती, पूरा स्टाफ भरा रहता था। ये जब पन्ना भाई चुनाव लड़ी, विधायक बनी, तो ये सिविल को प्राथमिक करवा दिए। सिविल को प्राथमिक मतलब प्रमोशन की जगह डिमोशन, डिमोशन नहीं हुआ, व्यवस्था के आधार पर अभी जाती प्रमोशन की जगह डिमोशन, इसमें कौन सी बन रही है? 3 डॉक्टर बैठ रहे हैं, विकास हुआ है और विकास हो रहा है। और मैं पूछना चाहता हूँ आदरणीय डॉक्टर साहब से कि अभी नगर परिषद के अंदर इन्हीं ने PIC के अंदर जो सिग्नेचर किया है वो वार्ड 7 से ये पार्षद हैं और वार्ड 8 में सिग्नेचर किया हुआ है, ये गलतियां क्यों करते हैं? ये बताइए, केवल आरोप लगा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा आरोप अस्पताल को लेके, प्रमोशन या डिमोशन? ये डिमोशन साफ दिख रहा है, हमने श्रीमान जी आपसे कहा है कि हमारे प्रश्न ले लीजिए, कांग्रेस भी जवाब दे और भारतीय जनता पार्टी भी आपके प्रश्न लेके ले हमारी थोड़ी सी, हमारे प्रश्न ये है कि जो प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना जारी की है उसमें जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं उनकी आप कॉपी देख लीजिए, उन्होंने गैस का इस्तेमाल कितने बार किया है? दूसरा प्रश्न हमारा, मध्याह्न भोजन स्कूलों में चल रहा है तो माननीय जी बता दें कि हमने कितने स्कूलों में गए हैं मध्याह्न भोजन और बताइए। दो हमारे प्रश्न है, उज्ज्वला और मध्याह्न भोजन को लेकर क्या कहेंगे? हमारी सरकार ने व्यवस्था देने का काम किया है, व्यवस्था को अपने अनुरूप ढालने का काम आम जनता का होता है। हमने सर लोगों को सिलेंडर दिया, अब लोग उसको व्यवस्थित तरीके से संचालित करें। अब मैं किस व्यवस्था, इनका साफ तौर से कहना कि हमने दे दिया, अब आप जानिए। देखिए ये लालीपॉप दिखा के वोट लेते हैं और इसके बाद जनता की जिम्मेदारी से बाहर हो जाते हैं और जब चुनाव आएगा तो ये सिर्फ विकास एक शब्द सुने हैं, विकास का मतलब ये नहीं जानते हैं कि विकास फैक्ट्री से होता है, विकास सड़क से होता है, विकास कारखाने से होता है, अच्छी शिक्षा से होता है, तमाम सुविधा। बड़ी बात आपने कही है, बड़ी बात, एक सीधी सी बात आप, हमें एक छोटा सा सवाल है, कितने कारखाने हैं मनगवा में पहले तो ये बताइए? कारखाने बड़े नहीं हैं पर छोटे छोटे उद्योग चल रहे हैं। यहाँ पर सब्जी मंडी जो है इतनी बड़ी है कि यहाँ से लेके हनुमाना तक और रीवा तक सप्लाई होती है, एक बड़ा का माने हब है सब्जी का, सब्जी का हब बताइए। ये उनका बताना भूल है, आज ये यहाँ किसान मनगवा जब से है कम से कम 40-50 साल से, हमेशा मंडी लगती थी, आसपास के किसान सब्जी लेके आते हैं, यही व्यापार होता है उनका। स्थानीय मुद्दे जैसे हॉस्पिटल में आप चले जाइए, 1 डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, 15 ये झूठ है, 15,000 आबादी बस्ती में है, 1 से 8 वार्ड बस्ती में है, 15,000 की आबादी, एक आदमी को अगर बिच्छू काट ले तो 1 डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। देखिए सारी बातें अपनी जगह, जो सबसे जरूरी बात जहां पर मामला अटकता है, स्वास्थ्य की जो बात है, एक बिच्छू काटने का इलाज कैसे? पहले मैं निवेदन करूंगा, आप सब लोग शांत हो जाएं, मैं एक एक तरीके से सबका जवाब दूंगा। स्वास्थ्य जो अभी मेरे दादा भाई ने बताया कि अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, मैं इन्हें बता दूं कि इनसे 1 से लेकर 8 वार्ड के निकट ही मनगवा का सिविल अस्पताल निर्मित है और वहाँ 3 डॉक्टर बैठते हैं, एक अभी अपॉइंट होके आया है MBBS करके, अभी अपॉइंट होके आया है वो डॉक्टर, अभी अपॉइंट होके आया है, चुनाव का वक्त नजदीक। एक मिनट आपसे बात करूंगा बबीता जी,
क्या है हाल यहाँ के मनगवा के अस्पताल का, मंडी का, जरा संक्षेप में समझाइए। अभी चल के ये दिखा दें, डॉक्टर हैं बता दें कि पोस्टिंग किसकी किसकी है। आप कह रहे हैं मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, विकास विकास हो रहा ना भाजपा में, किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई जा रही है। अभी 16 तारीख को, बेटा एक सेकंड, अभी 16 तारीख को अमित शाह जी आए थे भोपाल में आए थे मेडिकल की किताब का विमोचन करने आए थे। हम उस समय मौजूद थे क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, उसमें सिर्फ मेडिकल के बच्चों को आना चाहिए, मेडिकल के बच्चे नहीं, हर यहाँ तक तो सोचिए 8वीं तक के बच्चे आए। मैं आँखों के सामने अपने देखी हूँ 8वीं और कॉलेज के बच्चे आए और वो बेचारी लड़कियाँ बेहोश हो गई। उनको ये कह के ले आया गया कि अगर नहीं चलोगे, उसकी बात हम बाद में कर लेंगे। अच्छा मैं बोल दूँ, ये विकास है, उन्होंने ये कहा कि अगर नहीं चलोगे तो 15 दिन की फाइन देना पड़ेगा और ऐसी बच्चियों को ले आएं। और जब आप कह रहे थे हमारी भी सरकार थी 15 महीने की, कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने ये सब ढिंढोरा नहीं किया, वो जनता के बीच में जाते थे और जनता के बीच पे खर्च करना चाहते जो शासन का आया था। और जो आज आप लोग कह रहे हैं ना मेडिकल, मैं तो ये पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि मेडिकल की पढ़ाई जो विदेशों से दवाई आएगी, पहले तो आप हिंदी में पढ़ाई शुरू करवा रहे हो, पहले इंग्लिश में। ये भी एक बड़ा मुद्दा, आता हूँ आपके पास, ये बताइए आम आदमी पार्टी, विमला जी जरा आगे आइए, आपसे बहुत सारी बात करनी है। ये बताइए कि यहाँ पर शिक्षा नहीं आपके हिसाब से, हाँ, स्वास्थ्य नहीं, कोई भी मूलभूत समस्या नहीं, तो मनगवा में किस तरीके से लोग अपना जीवन जी रहे हैं? अब हम ये देख रहे हैं कि जीवन किस तरीके से, ये हमारे कहने का मतलब कि हमारे पास शर्ट नहीं होगा तो बनियान पहन के चले आएंगे, मुद्दे अब इस तरीके से आ गया है। हम कहते हैं कि आप एक तो मुद्दे ना उठाइए, विकास उठाइए। हमारे भाजपा के साथी बता दें कि मनगवा में क्या विकास करना चाहिए, इनको खुद भी मालूम नहीं है। बात करता हूँ, हमारे साथ एक पत्रकार भी है, एक एक मरघट जलाऊ अलाउ है मनगवा में? आज तक ये बस स्टैंड बना हुआ है, आज तक उसको चालू तक नहीं करवा पाए। विमलेश जी, तमाम तरीके के लोगों की आपने बात सुनी, आप मनगवा से ही रहने वाले, क्या कहेंगे आप इन सारी बातों को लेकर? पहली बात तो विकास विकास विकास, ये आखिर विकास क्या है ये खुद नहीं बता पाते भाजपा वाले। कांग्रेस वाले अगर बहुत अच्छे किए होते तो आज विपक्ष में नहीं होते, दोनों तरफ ये है। नए वालों को अभी कुछ कह नहीं सकते, सच्चाई ये है कि जो स्कूल बनी हुई है, 4 कमरे बने हुए हैं, उसमें मास्टर ही नहीं है, अस्पताल की बिल्डिंग बनी है, डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है, 10 प्रकार की बताते हैं हम, 500 प्रकार की दवाई अस्पतालों में रखे हैं, तो ये विकास कहाँ का विकास? अब ये जरूरत, बहुत सारी बातें हो गई, गंभीरता से बात अब हो जाए 5 मिनट। शिक्षा स्वास्थ्य सबसे जरूरत, जैसा कि अभी विमलेश जी कह रहे थे यहाँ पर समस्याएं, क्या वाकई में ऐसा कुछ है? देखिए मैं आपसे एक बात कह के फिर मैं आपसे इन सवालों का जवाब और सारी चीज़ें रखूँगा। आप समझिए कि आप आज तक चैनल आया यहाँ, आपका चैनल है, प्रतिष्ठित चैनल है, जो प्रदेश के अंदर देश के अंदर ख्याति प्राप्त है, और उस चैनल की जानकारी कि आप डिबेट करने वाले हैं, इसकी जानकारी आपने कांग्रेस के साथियों को दिया, आम आदमी के साथियों को दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथियों को दिया। आपको महसूस हो जाता होगा कि कांग्रेस के साथियों ने पूरी गंभीरता के साथ इस बात को लिया। ये बड़ी बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल मैं आ रहा हूँ। बात करते हैं सर जी, थोड़ा सा। और हमारी विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी यहाँ पर उपस्थित हैं, पूर्व प्रत्याशी ये हैं, हमारे नगर पालिका के जितने पार्षद हैं, हमारे ये तमाम साथी ब्लॉक अध्यक्ष हैं, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक को यहाँ रहना चाहिए था क्योंकि उनकी सरकार है। ले लेता हूँ जवाब। आप ये बताइए, सूचना सबको थी, कांग्रेसी और आम आदमी पार्टी पर्याप्त मात्रा में, या आप सवाल से बच रहे थे, क्या वजह है क्यों नहीं आया? कि हम सवाल से बच रहे थे, सवाल से बचना होता तो मैं खुद खड़ा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जिला मंत्री हूँ, और जिसके पास काम नहीं है, काम करना नहीं है, बेरोजगार घूमना है इधर उधर, कांग्रेसियों को आरोप लगाना है तो आएंगे, पर भारतीय जनता पार्टी के पास काम है, भारतीय जनता पार्टी के लोग समाज सेवा में लगे हुए हैं, वो जगह जगह विकास को बढ़ा रहे हैं, इसलिए उनके पास इतना ज्यादा समय नहीं, वो काम कर रहे हैं। आप ये बताइए, निकट भविष्य में जब चुनाव होगा तो ये विकास ऐसे ही चलेगा या कुछ बड़े डेवलपमेंट? विकास की कमी किस चीज की है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। यहाँ कोई कमी नहीं सर, मैं आपसे सीधे, इतना बड़ा सोलर प्लांट खुला हुआ है, इतना बड़ा सोलर प्लांट है, कोई भी रोजगार वहाँ पाया? मैं आपसे
रिलेशन, जिनका रिलेशन अच्छा रिलेशन है पॉलिटिक्स में है, वही वो वहाँ पे रोजगार पाए हुए हैं। मैं आपको पूरा कर दूं, मैं आपको पूरा कर दूं, जिनको जॉब नहीं करनी जॉब नहीं करेंगे, कौन नहीं करना चाहता बताइए। मेरे भारतीय जनता पार्टी के ये साथी कह रहे हैं मैं जिला महामंत्री हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ, पर इस बात की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री होने के नाते विधानसभा में मनगमा के विकास की बात नहीं उठा सकते। इस बात की जिम्मेदारी क्षेत्र के विधायक के नाते यहाँ के पंचूलाल प्रजापति की थी, और आपके सवालों से बचने के लिए, कांग्रेस के सवालों से बचने के लिए, विपक्ष के सवालों से बचने के लिए वो आपके बीच में नहीं आए। वो विकास की बात सिर्फ करेंगे दूर से, और जनता की जिम्मेदारी से बचने का उनका यह तरीका है। जनता की जिम्मेदारी से बचने का तरीका ऐसा कुछ नहीं है। माननीय विधायक जी ने डिस्क बोन का ऑपरेशन कराया, सबको विदित है डिस्क बोन का ऑपरेशन कराया है, तो इस वजह से वो आज के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए हैं। बाकी जहां तक विकास के मुद्दे हैं, यहां की जनता को क्या चाहिए? भाजपा ने यहां शिक्षा, स्वास्थ्य, तहसील सारी चीजें दे दी। ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। यहाँ मैं ये बता दूं क्यों चुनती सरकार, अगर यहाँ विकास ना हुआ होता तो लगातार दो बार से आजादी के 75 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहा है मनगवा। कभी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की कर्म भूमि रही है मनगवा की धरती, आज भी तलाश रही है विकास को। अपना विकास ये मुन्ना सोनी की देन है। हम पार्षद थे गांधी कॉम्प्लेक्स, आदरणीय लक्ष्मी नारायण सोनी की देन है जो मेरा एक निवेदन है कि यहाँ 6 वार्ड है, यहाँ श्मशान घाट नहीं, यहाँ की आम जनता खड़ी कोई बता दे कि यहाँ श्मशान घाट बना हुआ है, ये विकास की बात है। अभी बता रहे हैं हमारे साथी कि सारा विकास है, मैं तो ये कह रही हूँ कि विकास है कहाँ, विकास है उनका तमका बनवा रहे हैं 3.5 लाख में, और भारतीय जनता पार्टी के 1,20,000 में एक भी बड़ा कारखाना नहीं है। मनगमा में 6 वार्ड में एक वो बनने वाला है मरघट, श्मशान घाट, ये हम बता दे बस स्टैंड में अगर एक भी हो तो। तमाम तरीके की समस्याएं, समय रुके एक मिनट, समय इजाजत नहीं देता इस डिबेट को आगे करने के लिए। निकट भविष्य में एक बार हमारी टीम फिर से मनगवा आएगी और यहाँ के लोगों से बातचीत करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान समय में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, जो सिलेंडर अभी तक 450-450 रुपए में आज से 5 साल पहले मिल जाया करता था, आज वो डायरेक्ट 1100 और 1200 रुपए। तमाम तरीके के दावे वादों के बीच अगली बार निकट भविष्य में एक बार हमारी पूरी टीम मनगवा आएगी और इसी डिबेट को यहीं से आगे बढ़ाएगी। अब अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए इजाजत।